बिहार, बोलता बिहार न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। समस्तीपुर जिले की चर्चित महिला अधिकार कार्यकर्ता वंदना कुमारी ने बुधवार को अपने प्रस्तावक एवं समर्थकों के साथ अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष ताजपुर नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद पर अपना नामांकन दर्ज कराया। नामांकन के बाद कार्यालय प्रकोष्ठ से बाहर निकलते ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में राहगीर एवं आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए महिला नेत्री ने कहा कि ताजपुर के अधिकांश जनप्रतिनिधियों के ताजपुर एवं ताजपुर वासियों के विकास करने के बजाय अपना विकास किया, इसके पास कुछ नहीं था। आज जनता को चूस कर करोड़ों का मालिक बना बैठा है। जनप्रतिनिधियों द्वारा ताजपुर में विकास योजनाओं, कल कारखाना लगाने, भ्रष्टाचार एवं अफसरशाही पर रोक लगाने की कोशिश ही नहीं की। नए कोई भी संस्था नहीं खुले, लेकिन चप्पल फैक्ट्री, रोड फैक्ट्री, दुग्ध फैक्ट्री समेत कई अन्य संस्था खत्म हो गए। यहाँ तक कि 1972 तक कर्पूरी ठाकुर ताजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते थे। विधानसभा का दर्जा तक समाप्त कर दिया गया। ताजपुर बाजार 8-10 अलग अगल बगल के प्रखंडों का बाजार है, लेकिन यहाँ नाला का अभाव, टूटी सड़कें, बिजली की आँख मिचौली, संकीर्ण सड़क, विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में लूट, भ्रष्टाचार का बाजार गर्म रहता है। बावजूद इसके कोई जनप्रतिनिधि इन समस्याओं पर संघर्ष तो छोड़िए चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझते। MABED डिग्री धारी उम्मीदवार वंदना कुमारी ने ताजपुर वासियों से अपील किया कि वे सड़क पर संघर्ष कर ताजपुर हित में अनेक समस्याओं का समाधान कराएगी। अनेक लोगों को विकास योजनाओं का लाभ न्याय दिलाई है। अब ताजपुर वासी उन्हें वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए, ताकि सदन के अंदर विकास योजनाओं को गति देने के साथ लूट, भ्रष्टाचार रोकने, कल कारखाने लगाने एवं की और अग्रसर हो सके। मौके पर उनके प्रस्तावक ललिता देवी, समर्थक उपेंद्र सिंह, राजदे प्रसाद सिंह, ललन दास समेत भाकपा माले के आसिफ होदा, मोहम्मद एजाज, माले जिला कमेटी सदस्य अमित कुमार, महेश कुमार, राजकुमार चौधरी, जयंत कुमार, जीवच पासवान, अनिल चौधरी, मोहम्मद गुलाब, संजीव राय, शंकर सिंह, शिव बालक पासवान, मनोज सिंह, शंकर सिंह, मोहम्मद सगीर, जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार आदि उपस्थित थे। क्षेत्र हुआ है और उस क्षेत्र से सही महिला को सही जगह पे पहुंचाने का काम ताजपुर की जनता का। क्या क्या समस्या है ताजपुर? देखिए, ताजपुर में अभी भी जल जमाव की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है। मतलब ताजपुर में अभी कहीं भी विकास दिख नहीं रहा है। भले ही वहाँ पंचायत रहा, वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन वो विकास अपना विकास किए हैं, क्षेत्र का विकास नहीं। जनता जी माला पहना थी तो क्या हम मुद्दा रहे? सबसे पहले ताजपुर में जो पानी की समस्या है कि थोड़ी भी बारिश होने पर सड़क पे जल जमाव हो जाता है, तो नाला बनवाने का काम करेंगे, सड़क बनवाने का काम करेंगे, बिजली की जो जल्द करने का काम करेंगे और तमाम, क्योंकि वहाँ ताजपुर नगर परिषद पहली बार बना है, इसीलिए सफाई की भी वहाँ पे कमी है, तो पूरे क्षेत्र में पूरे जीरो से हमें वहाँ पर शुरुआत करनी पड़ेगी।